ये बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत। और आपको भी पता है, दो वोटों पे अड़ी हुई हुकूमत लोटों को अपने साथ लगा के, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ना इसकी कोई फॉलोइंग है लोगों के अंदर। चोरों को छुटकारा मिला है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने जो नैब तरामीम है उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया, तो मौजूदा हुकूमत सारी असलाहत अपनी मर्जी की मंजूर करती रहेगी, तो आप लोग कैसे रोकेंगे, क्योंकि आप लोग अब असम्बली में भी नहीं हैं। देखिए, ये तो एक डिसीजन जो है वो चेयरमैन साहब ने ली है, और ये डिसीजन मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ डिसीजन को, इस वजह से कि ये जो हुकूमत है ये हमारी तरफ से बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत है। जिस तरीके से ये हुकूमत आई है बैरूनी साजिश के मुताबिक, ये बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत। और आपको भी पता है, दो वोटों पर अड़ी हुई हुकूमत लोटों को अपने साथ लगा के, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ना इसकी कोई फॉलोइंग है लोगों के अंदर। अब अहम बात यह है कि अगर आप जाके इनके साथ बैठ जाएं, तो उसका मतलब आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। वी डू नॉट एक्सेप्ट देम एज ए लीगल गवर्नमेंट एट ऑल। अब मकसद ये है कि लीगैलिटी के लिए वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठे। अब इस वजह से आई थिंक खान साहब का बिल्कुल वो सोच जो है वो ठीक है। जहाँ तक तरमीम का ताल्लुक है, कोर्ट्स तो हैं ना, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो कोर्टें जो रात 12 बजे खुलती हैं वो कोर्टें हमें भी रिलीफ देंगी, क्योंकि हम तो आम आदमी की बेहतरी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो अरबों रुपए यानी 1200 अरब रुपए जो हैं उसका जो गबन हुआ और ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई और दुनिया पाकिस्तान से बाहर पैसे लेके गए, हम तो उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम तो किसी और चीज़ की नहीं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ लूट के अपना सारा पैसा ले गए बाहर लोग, वो वापस पैसे लेके आए। और आपके सामने हैं कि इन्होंने जो तरामीम लाए हैं उसके अंदर, उन तरामीम से और कुछ हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल नैब की हर किस्म के पावर्स ख़त्म कर दिए और डायरेक्टली फ़ायदेमंद, जैसे मैंने आपको कहा है, ये फ़ायदा देना चाहते हैं उन सारे सियासतदानों को जो वाइट कॉलर क्राइम के अंदर मुलव्वस हैं। और मैं ये भी बात बताती चली हूँ डॉक्टर साहिबा कि वाइट कॉलर क्राइम, हम तो पहले दिन से शोर मचाते थे उन्होंने पैसे खाए हैं, लेकिन पनामा, आपको पता है पनामा लीक्स के अंदर ये सारी बातें यहाँ हो गई थी ना जी जी, इन्होंने क्यों नहीं चैलेंज किया था ये उन सारी वो जो बाहर के अखबार थे उनको चैलेंज करते ना उस वक्त, यानी जर्मनी के जो लीडिंग अखबार थे, इंग्लैंड के जो लीडिंग अखबार थे, दे यूज टू कैरी हेडलाइंस, इन्होंने क्यों नहीं चैलेंज किए? वजह मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये इनकी चोरी साबित हो चुकी थी। और इसमें तो अब ये है कि जी मैं अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर दूं अपनी जायदाद, तो मुझे फिर हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए थे, मेरे बच्चों को हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं होगी? आपके माँ बाप ने आपको जो कुछ दिया, किसी उम्र में भी दिया, मुझे हिसाब तो हमें तो हिसाब देना पड़ना चाहिए। ये इस तरह की जो तरामीम हैं, इनसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि चोरों को छुटकारा मिला है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।